नमस्कार किसान भाइयों, कैसे आप सभी भाई। ये 3055 NV जो इंडो फार्म का एक 55 HP का ट्रैक्टर है, तो इसके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। कितना HP का ट्रैक्टर है, कितनी कीमत रखी हुई कंपनी ने, हर चीज़ की जानकारी दी जाएगी इसके बारे में आपको। ये लगा लो घर बैठे ही आपको हर चीज़ की जानकारी दी जाएगी, क्या फंक्शन है। तो भाई ये 55 HP का ट्रैक्टर है। बात करें इसके टायर साइज की, तो आगे आपको 7/50/16 के और पीछे के 14/28 के टायर मिल जाएंगे ट्रैक्टर में। और जो इसके आगे आपको दो हैवी लाइट मिलेंगी, जिसको आप आराम से रात में बढ़िया रोशनी के लिए यूज़ कर सकते हो। एक आगे आपको इंडो फार्म का लोगो मिल जाए, नीचे ब्रांडिंग मिल जाएगी इंडो फार्म की। कंपनी द्वारा एक बम्पर दिया हुआ है ट्रैक्टर में, और जो एक्सल है वो स्टेट टाइप का एक्सल दिया हुआ है कंपनी ने इस ट्रैक्टर में। पावर स्टेयरिंग में ट्रैक्टर है, जो कि एक सिलेंडर के साथ पावर स्टेयरिंग दिया हुआ है। डबल क्लिच का ऑप्शन मिल जाएगा इसमें आपको, जैसे आप रोटावेटर जैसे इम्प्लीमेंट चलाते हैं तो उसमें आपको डबल क्लिच दिया हुआ है ट्रैक्टर में। और जो 3 सिलेंडर का है ट्रैक्टर है, जो कि बॉश कंपनी के इनलाइन पंप के साथ आता है, जो एक अपने आप में जानी मानी हुई कंपनी है, लो मेंटेनेंस के लिए कंपनी जानी जाती है। 2 डीजल फिल्टर दिए हुए हैं ट्रैक्टर में, एक वाटर सेपरेटर दिया हुआ है, और एक आपको नीचे पिन मिल जाएगा जिससे आप इंजन के ऑयल को चेक कर सकते हैं। और बैटरी बॉक्स की बात करें तो भाई इस ट्रैक्टर में आपको इसके अंदर ही बैटरी बॉक्स मिल जाएगा। और आगे का जो बोनट है वो आप जो स्विच दिया उसको आप आराम से दबा के बोनट को ओपन कर सकते हैं। कूलेंट टाइप का इसमें कूलेंट दिया हुआ है। आगे जो बैटरी है वो एक साइड की लीव गार्ड की बैटरी दी हुई है। जो बैटरी है वो इस ट्रैक्टर के अंदर ही आती है। और पीछे की बात करें तो इसमें हैवी फुटरेस्ट दिया हुआ है कंपनी ने, जिस पे आप पैर रख के आराम से ट्रैक्टर के ऊपर बैठ सकते हैं। और जो डीजल का जो टैंक है वो ये लगा लो 60 लीटर के लगभग इसमें कंपनी डीजल टैंक देती है। बात करें इसके और एक और जो इसमें रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन इसमें ट्रैक्टर में आपको मिल जाएगा। एक रोड दी हुई है जिसको आप आराम से पकड़ के ट्रैक्टर के ऊपर बैठ सकते हैं। और जो बैठने का प्लेटफॉर्म है वो बहुत बढ़िया दिया हुआ है ट्रैक्टर में। जो साइड में जैसे आप साइड में बैठते हैं तो उसके लिए भी सीट दी हुई है कंपनी ने, एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी दी हुई है। और जो सीट जो मेन सीट है उसको आप आगे पीछे आराम से एक लीवर दिया हुआ है उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। गेयर बॉक्स है वो साइड गेयर बॉक्स में ट्रैक्टर आता है, 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गेयर के साथ है ट्रैक्टर दिया हुआ है। ब्रेक है वो तेल में डूबे हुए ब्रेक है ट्रैक्टर में। बात करते हैं इस ट्रैक्टर के पीछे की, तो पीछे आपको एक हिच मिल जाएगा कंपनी की तरफ से, जो एडजस्टेबल हिच दिया हुआ है जिसको आप अपने हिसाब से ऊपर या नीचे कर सकते हैं। जो पीटीओ के जो चक्कर है वो 540 के इसमें चक्कर दिए, 3 सेंसिंग के साथ पिन के साथ इसमें वो लिफ्ट सेंसिंग दी हुई है। और 2 लीवर दिए हुए हैं कंपनी ने, जैसे आप अपने पलाव जैसे ट्रॉली के इम्प्लीमेंट के लिए, और एक लीवर दिया हुआ है लिफ्ट का जिसको आप आराम से दबा के अपने उपकरण को ऊपर या नीचे कर सकते हो। एक रोड दी हुई है दोनों बम्परों के बीच में, जो बम्पर जैसे हिलते हैं रात को उसके लिए कंबाइन के लिए। एक पीछे लाइट दी हुई है तेज़ रोशनी के लिए, जो आप इसको नाइट में यूज कर सकते हो। तो कुल मिला के पीछे से बहुत हैवी ट्रैक्टर दिया हुआ है। स्टेट एक्सल है पीछे वाला, नॉन एडजस्टेबल एक्सल दिया हुआ है, और एक लाइट का सॉकेट दिया हुआ है पीछे, जिसमें आप अपने वायरिंग के करके पीछे इम्प्लीमेंट में आराम से वायर ले जा सकते हो। एक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है कंपनी ने पीछे ट्रैक्टर में, और एक जो बोतल के लिए चिम्बल दिया, बोतल आराम से आप नाइट में रख सकते हैं। और जो मोटर है उसके मोटर का गार्ड दिया हुआ है, जैसे आप मतलब मोटर की सेफ्टी के लिए कंपनी ने गार्ड दिया हुआ है। और यहाँ आपको पावर स्टेयरिंग का मिल जाएगा फिल्टर, एक लिफ्ट का फिल्टर मिल जाएगा। ऊपर की ट्रैक्टर की ऊपर की बात करें तो भाई उस ट्रैक्टर की ऊंचाई बहुत हैवी ऊंचाई दी हुई है ट्रैक्टर की। और ट्रैक्टर के वेट के बारे में बात करते हैं तो 2730 kg के लगभग सारा ट्रैक्टर का वेट है इसमें।
इस ट्रैक्टर का जो स्टेयरिंग है वो आप बिल्कुल मतलब ये नॉर्मल स्टेयरिंग है, जिससे आप एक हाथ से आराम से पकड़ के ट्रैक्टर को मोड़ सकते हैं। और जो मीटर है वो डिजिटल मीटर दिया हुआ है ट्रैक्टर में, जिसमें आप कितने घंटे ट्रैक्टर चला है, फ्यूल का और बैटरी का हर चीज़ का सिंबल मिल जाएगा। हॉर्न का है वो नीचे हॉर्न का स्विच दिया हुआ है और चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है नीचे इसमें ट्रैक्टर में। प्लेटफॉर्म है वो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया हुआ है भाई कंपनी ने। साइड में एक पीटीओ का जो लीवर है, जिसको आप आगे करोगे तो 540 के चक्कर पर पीटीओ आपकी चालू हो जाएगी। और पीटीओ की बात करें तो इसमें भाई 33.5 की पीटीओ दी हुई है। और एक साइड में टूल बॉक्स दिया है, जिसमें आप अपने कीमती सामान आराम से रख सकते हो। कीमत कितनी है इसकी? और अगर इसकी कीमत की बात करें तो भाई 30-55 NV की जो कीमत है वो 5,90,000 के करीब इसकी कीमत है। बाकी आप मतलब आओगे तो मौके पर एडजस्ट हो जाएगा, कोई फिक्स कीमत नहीं है। तो भाई 55 HP का है ट्रैक्टर है। आपको ट्रैक्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।